ड्राइवर की मनमानी और जर्जर सड़कों की वजह से दर्जनों बच्चों की जिंदगी खतरे में पड़ गई। मामला हरियाणा के पंचकुला का है, जहां पिंजौर के पास पहाड़ी क्षेत्र में स्कूली बच्चों से भरी रोडवेज बस के पलटने से 40 से ज्यादा बच्चे घायल हो गए। घायल बच्चों को पिंजौर के अस्पताल और पंचकुला के सेक्टर 6 सिविल हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। हादसे की वजह ओवर स्पीड और बस में ज्यादा सवारियां होना बताया जा रहा है। इसके अलावा सड़कें भी टूटी फूटी हैं। इस घटना ने सरकार की कलाई खोल दी है, क्योंकि इस रूट पर केवल यही बस चलती है जिसमें ITI, सीनियर सेकेंडरी स्कूल और कॉलेज के छात्र जाते हैं। इसके अलावा आम लोग भी इसी बस से जाते हैं। जिस बस में कुल 34 लोगों के बैठने की क्षमता है, उस बस में 100 से ज्यादा लोग सवार थे। हादसे के बाद ड्राइवर और कंडक्टर को सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि हादसे का मुख्य दोषी कौन है? सरकार, ड्राइवर, कंडक्टर या फिर टूटी फूटी सड़कें? हरियाणा सरकार भले ही तमाम दावे करती है वो राज्य को विकसित बना रही है, लेकिन यहाँ एक छोटी सी बस में 100 से ज्यादा लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर बैठे थे, शायद ये सरकार को नजर नहीं आया। परिवहन विभाग की लापरवाही देखिए, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं है जब 34 सवारी की क्षमता वाली बस ओवरलोड चल रही हो। क्या प्रशासन की नजर उस पर नहीं पड़ी, क्योंकि बच्चों के स्कूल जाने के लिए सिर्फ यही एक बस ऑप्शन है? वहीं ड्राइवर को किसने अधिकार दिया कि वो 100 से ज्यादा लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करे? जिस बस में 100 से ज्यादा लोग सवार हैं, उसे भला कोई ओवर स्पीड में कैसे ड्राइव कर सकता है? सरकार भले ही तमाम दावे कर रही हो कि राज्य की सड़कें चमचमा रही हैं, लेकिन टूटी सड़कों की वजह से दर्जनों लोग मौत के मुंह में जाते जाते बचे। एक बड़ा सवाल ये भी कि क्या सिर्फ ड्राइवर और कंडक्टर को सस्पेंड कर मामले को रफा दफा कर दिया जाएगा? हादसे के लिए जिम्मेदार खराब सड़कों के लिए किस पर एक्शन होगा? 34 की क्षमता वाली बस में 100 से ज्यादा लोगों को ठूसना और सफर के लिए मजबूर करना, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? ये वो तमाम सवाल है जिनका जवाब सभी जानना चाहते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24.